राष्ट्रीय स्तर पर जब पंडित दीनदयाल जी का निधन यहाँ हुआ तब स्टेशन पे आइए ना, देश में जो राष्ट्रवादी विचार के लोग प्लस जो भी क्षेत्र में यहाँ सारे लोग उनके श्रद्धांजलि में समारोह आयोजन स्मारक है, तो यह सुयोग अब जाके बना है कि हमारी केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने संयुक्त प्रयास करके पंडित दीनदयाल नगर जंक्शन का नाम रखा, दीनदयाल नगर यहाँ का नाम और एक स्मारक, तो इसको उस बड़े अभियान के रूप में ये राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के रूप में हम ले रहे हैं। और हम आभारी हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अन्य अनेक वरिष्ठ यहाँ पर आ रहे हैं और उस रूप से उसकी तैयारियों को देखने में आया कि अपने आप में आधुनिक भारत के सबसे बड़े विचारकों में से श्रेष्ठ विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रस्तुति श्रद्धांजलि देते हुए उनके शताब्दी वर्ष की पूर्णता के अवसर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ी सहभागिता होगी। ये चंदौली आपका, हम आपको जानकारी दें, मैं 1991 से इस काम के लिए मैं समर्पित रहा, जब पहली बार विधायक और हम जब दोबारा मंत्री थे तब भी हमने पहल की थी, पूरा इलाका जानता है। सुयोग बना कि चंदौली की महान जनता ने मुझे अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, यहाँ का सांसद बनाया, तो इस काम को अंजाम देने में हम सबको सबके सहयोग से सफलता मिली। निश्चित तौर से एक माइलस्टोन काम है, अब सदियों तक लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर तो जंक्शन को जानेंगे, दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व को जानेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ी लगातार उससे अवगत होगी, इस नाते से अपने आप में बहुत महत्व। और राष्ट्रवादी सोच के लोग मौसम की परवाह नहीं करते, मौसम को स्वीकार करेंगे, लाखों की भीड़ आकर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताज़ा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।